अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, निदाई कश्मीर मल्टीमीडिया में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपकी मेज़बान सजीदा रसूल। पहले एक नज़र खास खास सुर्खियों पर। कुलगाम के त्रुकजी इलाके में फौज और मिलिटेंटों के बीच झड़प, दो मुकामी मिलिटेंट जा भाग। सरहद पार से मंशियात और हथियारों की स्मगलिंग, फौज ने सरहदों से मुतसिल इलाकों को खाली कराने का बनाया मनसूबा। जम्मू में बैन अल-अक़वामी सरहद से मुतसिल BSF की फायरिंग से दरअंदाज हलाक। और IGP कश्मीर की सदारत में अनंतनाग में आला सत्थी की मीटिंग, अमरनाथ यात्रा के हवाले से इंतजाम का लिया जायजा। अब खबरों की तफसील के साथ शेख तजमल। कुलगाम के त्रुबजी फ्रिसल इलाके में आज फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान एक झड़प में दो मकामी मिलिटेंटों के मारे जाने की खबर है। इतलात के मुताबिक फौज, पुलिस और CRPF ने मिलिटेंटों की मौजूदगी से मुतलक इतला मिलने के बाद कुलगाम के त्रुबजी फ्रिसल इलाके का मुहासरा किया। इस दौरान मुहासरे में छुपे मिलिटेंटों ने फोर्सेस की तलाशी पार्टी पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई के दौरान दो मिलिटेंटों के मारे जाने की खबर है और इब्तदाई इतलात के मुताबिक दोनों मिलिटेंट मकामी हैं और उनका ताल्लुक TRF के साथ है। पुलिस का कहना है कि इलाके में दो मिलिटेंटों की लाशें बरामद हुई हैं, जबकि असलह और गोला बारूद भी जाए वारदात से बरामद किया गया है। सरहद पार से मिलिटेंटों की दरअंदाजी और हथियारों व मनशियात की स्मगलिंग को रोकने के लिए फौज ने एक जाम मनसूबा मुरतब किया है, जिसके तहत लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल नज़दीक वाका मुतादिद आबादी वाले इलाके को खाली कराने का एक मनसूबा जम्मू कश्मीर हुकूमत को भेजा गया है। इस मनसूबे की अमलावरी की सूरत में शुमाली कश्मीर में लगभग 30 से ज़्यादा सरहदी इलाकों को खाली करके यहाँ की आबादी की दूसरे इलाकों में बाज़ाबादकारी अमल में लाई जाएगी। खबर रसाई इदारे JKNS ने मोतबर दिफाई ज़राए के हवाले से बताया कि सरहद पार से मिलिटेंटों की दरअंदाजी और हथियारों में मनशियात की स्मगलिंग के वाक़ात की छानबीन के दौरान ये बात सामने आई है कि दरअंदाजी करने वाले मिलिटेंटों और स्मगलरों का पहला पड़ाव LOC के नज़दीक वाका बस्तियां होती हैं और यहीं से दरअंदाज और स्मगलर फिर आगे चले जाते हैं। ज़राए ने बताया कि लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब वाका इलाकों के बहुत से या कई एक अफराद दरअंदाजी और हथियारों व मनशियात की स्मगलिंग से जुड़े रहते हैं, क्योंकि ये खतरनाक और गैर कानूनी काम अंजाम देने के लिए उन्हें मोटी मोटी रकमें फराहम की जाती हैं। इसी सूरत हाल के पेश नज़र फौज ने जम्मू कश्मीर हुकूमत को एक मनसूबा सौंपा है, जिसके तहत सरहदों के बिल्कुल मुत्तसिल इलाकों को खाली कराने का मंसूबा रखा गया है। पुलिस ने पीर को जम्मू डिवीजन के डोडा जिले में एक जंगजू को असलह और गोला बारूद के साथ गिरफ्तार करने का दावा किया है। खबर रसाई इदारे JKNS के मुताबिक एक बयान में पुलिस ने कहा कि डोडा पुलिस ने सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलकर एक जंगजू फरीद अहमद वलद गुलाम हसन साकिन कोटी डोडा को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से चीनी साख का एक पिस्तौल, दो मैगजीन, 14 गोलियां और एक मोबाइल फोन बरामद किया गया। पुलिस के एक तर्जमान ने बताया कि अमरनाथ यात्रा से पहले हिफाजती इकदाम के तौर पर पुलिस स्टेशन डोडा की एक पुलिस पार्टी ने डोडा टाउन के मजाफात में एक नाका लगाया और एक नौजवान को असलह और गोला बारूद ले जाते हुए गिरफ्तार किया गया। BSF जम्मू ने कहा है कि इतवार और पीर की दरमियानी रात BSF के चौकस दस्तों ने BOP बाकिरपुर के आम इलाके में बाढ़ के पार मशकूक नकल हरकत देखी। खबर रसाई इदारे JKNS के मुताबिक एक बयान में कहा गया है कि फोर्सेस पार्टी ने रात के वक्त देखा कि पाकिस्तान की तरफ से एक शख्स जारहाना अंदाज में बाढ़ की तरफ आ रहा है और बाढ़ को अबूर करने की कोशिश कर रहा है। BSF जम्मू ने कहा कि फोर्सेस की पार्टी ने उसे रुकने के लिए कहा, लेकिन उसने इस पर कोई तवज्जो नहीं दी, जिस पर BSF के अहलकारों ने यके बाद दीगरे कई गोलियां चलाई, जिसके नतीजे में दरअंदाज मौके पर ही जाम बहक हुआ। ताहम उसके कब्जे से किसी तरह का कोई हथियार वगैरह बरामद नहीं हुआ है। 30 जून से शुरू होने वाली 43 रोज़ा सालाना अमरनाथ यात्रा के सिक्योरिटी इंतजाम को पीर के रोज़ एक आला सतही सिक्योरिटी जायजा मीटिंग में हतमी शक्ल दी गई। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर जोन विजय कुमार की सदारत में मुनक्कदा इस सिक्योरिटी जायजा मीटिंग में GOC विक्टर फोर्स, IG CRPF, BSF, ITBP, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस के DIGs के अलावा जनूबी कश्मीर के SSPs और कमांडिंग अफसरों ने शिरकत की। IGP कश्मीर की ज़ेर सदारत मीटिंग में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से उठाए जाने वाले हकीकी खतरात और इंसदादी इकदाम का जायजा लिया गया। तमाम सिक्योरिटी एजेंसियों के आला अफसरान ने अमरनाथ यात्रा के पुरअमन इनेकाद और यात्रियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए उठाए जा रहे इकदाम के बारे में अपनी अपनी आरा पेश की। कई माह तक कंट्रोल में रहने के बाद आलमगीर कोरोना वबा मुल्क में फिर तेजी के साथ फैल रही है।
क्योंकि यौमिया मुस्बत मामलों में इजाफा होने के बाद फाल केसों की तादाद भी तेजी के साथ बढ़ रही है। JKNS के मुताबिक मरकजी वजारत सेहत ने पीर की सुबह एक बयान में कहा कि हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के 17,073 नए मुस्बत मामले दर्ज हुए, जिससे मुतासरीन की तादाद बढ़कर 4,34,07,046 हो गई है। इस दौरान जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मुतासर 67 नए मामले सामने आए हैं। जंगली जानवरों के नज़दीकी बस्तियों में दनदनाते हुए घूम फिरने के बीच इतवार और पीर की दरमियानी रात को जनूबी कश्मीर के अनंतनाग के कुकरनाग फतन अहालन जंगलाती इलाके में खूंखार रीछ के हमले में एक 65 साल शख्स मारा गया। मकामी लोगों का हवाला देते हुए जरा ने बताया कि इतवार की रात देर गए जब 65 साल मोहम्मद अकबर चौहान वलद मोहम्मद हुसैन चौहान साकिन अहलन गड़ोल घर आ रहा था तो रास्ते में एक खूंखार रीछ ने उस पर अचानक हमला कर दिया। जराए ने बताया कि रीछ के हमले में मस्कुरा शख्स अपनी जान खो बैठा। इस दौरान पुलवामा के मलंगपोरा इलाके में भी आज वाइल्ड लाइफ महकमे के एहलकारों ने एक रीछ को पकड़ लिया, जिसने पिछले चंद दिनों के दौरान इलाके में कई अफराद को जख्मी करने के अलावा मेवा बागात को भी नुकसान से दोचार किया था। कुपवारा के राजवार हिंदवारा इलाके में तालाब में डूबकर हलाक होने वाले 17 साल लड़के की लाश पीर की सुबह निकाली गई। JKNS के मुताबिक 17 साल अल्ताफ अहमद टांची वलद मोहम्मद शफी टांची साकिन बवन वटसर कल राजवार हिंदवारा में इतवार की दोपहर नहाते हुए तालाब में डूब गया। उसके साथ मौजूद दीगर लड़कों ने चीख पुकार की, जिसके बाद पुलिस और मकामी लोगों ने फौज की KSRR की मदद से जाए वकूफ पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। तमाम इतवार को शाम देर गए तक डूबने वाले लड़के का कोई सुराग नहीं मिला। SDRF की एक टीम पीर को सुबह रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हुई, जिसके नतीजे में 17 साल लड़के की लाश को तालाब से बरामद किया गया। भारतीय जनता पार्टी की खातून लीडर मिना लतीफ ने आज पार्टी की आला क्यादत के हमरा सांबोरा पुलवामा जाकर हाल ही में मिलिटेंटों के हाथों मारे गए फारूक अहमद नामी पुलिस अफसर के लवाहकीन के साथ इजहार ताज़ियत किया। उन्होंने कहा कि फारूक अहमद एक इंतहाई ज़हीन पुलिस ऑफिसर थे, जिन्होंने महकमे पुलिस में बड़ी जाफशानी के साथ अपनी खिदमत अंजाम दी। मिना लतीफ और रविंदर रैना ने फारूक अहमद के लवाहकीन को यकीन दिलाया कि हुकूमत उन्हें हर तरह की इमदाद फराहम करेगी। इस मौके पर रविंदर रैना ने कहा कि कुछ लोग जम्मू कश्मीर में अमन अमान की सूरत हाल नहीं चाहते हैं और इसीलिए फारूक अहमद जैसे लोगों का कत्ल किया जाता है। नाजरीन, इसके साथ ही निदाई कश्मीर मल्टीमीडिया से खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान शेख तजम्मुल और सजीदा रसूल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।